क्या वो अक्सा निम्रा कहाँ है? अदनान भाई, निम्रा की दोस्त है ना अफशी, ये यकीनन उसी का भाई है। मैं देख कर आती हूँ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? निम्रा, किससे खड़ी बातें कर रही हो? मैं अदनान भाई के साथ आई हूँ। चले निम्रा। हाँ, ये मेरी बहन है अक्सा, मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय। ओके बाय। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान भाई, वो अफशी का ही भाई था, वो दोनों कह रहे थे कि निम्रा को घर ड्रॉप कर देते हैं, और ये मना कर रही थी, बस इतनी सी बात है। हाँ, बात तो इतनी सी है, लेकिन यहाँ क्या समझा जा रहा था? अदनान भाई को अच्छा नहीं लगा कि तुम। क्या अच्छा नहीं लग रहा था, जरा खुलकर बोलो। कुछ नहीं अदनान भाई, चलो। अगर इनको प्रॉब्लम हो रही है तो हम कैब में जा सकते हैं। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ कि तुम खुद जा सकती हो। अदनान भाई, बात तो क्लियर हो चुकी है ना? हाँ अक्सा, बात तो क्लियर हो गई, लेकिन मुझे निम्रा का इस तरह किसी गैर मर्द के साथ खड़ा होना या बातें करना अच्छा नहीं लगा। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? जाहिलों की तरह मुझ पर शक कर रहे हैं? निम्रा, ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मेरे ख्याल से आज तक आपका किसी शरीफ लड़की से पाला नहीं पड़ा है। अगर एक अच्छी लड़की के कैरेक्टर पे ऐसे उंगली उठाएंगे तो इसी लहजे में आपसे बात करेगी, और अगर मेरे कैरेक्टर पे इस तरह उंगली उठाएंगे तो मैं इससे भी ज्यादा बुरे तरीके से आपसे बात करूंगी। मतलब कि मैनर्स होते हैं कि अपनी बहन के दोस्त को घर पे ड्रॉप करना, वो अपना फर्ज निभा रहे थे, मैं तो नहीं गई ना उनके साथ। अच्छा चलो ठीक है, पहले ही बहुत वक्त जाया हो चुका है। अदनान भाई, हम पहले कहाँ जाएंगे? सीधा घर जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। निम्रा, मेरी बात सुनो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। गलती भी तुम्हारी और गुस्सा भी तुम्हें करो। जरा सोचो, अदनान भाई को कैसा लग रहा होगा तुम्हें अपनी दोस्त के भाई से बात करते देखकर। मेरी भला से, तुम्हें क्या जरूरत थी उनके साथ ऐसे अचानक आने की? वैसे तो कभी तौफीक नहीं हुई मेरे कॉलेज में झांकने की। हम अच्छे मूड में थे, वो तुमसे बात करना चाह रहे थे। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझसे बात किए बगैर मुंह फुलाकर वहां से चले गए? तो मेरा दिमाग फट जाएगा, इतनी छोटी सोच बात का भतंगड़ बना दिया। और ये एक दो रोज का रोना नहीं है, सारी जिंदगी मुझे झेलना है। अच्छा निम्रा, एक काम करना, आज उन्हें फोन करना और उनसे बात करना। ऐसे तो मुझे लग रहा है अदनान भाई को तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन अगर तुम उन्हें खुद कॉल करोगी ना, उन्हें अच्छा लगेगा। अक्सा, मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं हूँ, मैं उनको खुद से कॉल नहीं करूंगी, और तुम भी मेरी बात सुन लो। अगर तुमने उनको कॉल की ना, मेरी सफाई पेश की, तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार, अभी अम्मी को भी बताना है कि मैं फूफो के घर क्यों नहीं गई। ये कह दूंगी कि अदनान भाई को ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था, ठीक है? मुझे नहीं पता, जो तुम्हारी मर्जी।